हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू टुडे? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, तो आपको पता है हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम 14 चैप्टर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आप पेज नंबर 160 निकालेंगे सभी लोग, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करना आपको ध्यान से सुनना है। यू माइट हैव ट्राई टू गेम, हाउ स्टेडी इज योर हैंड? तो आपको पता है आपने गेम ट्राई किया होगा कि हम हाथ से जो पकड़ते हैं किसका हाथ पहले हिलेगा, टाइट पकड़ते हैं हम लोग। यस, तो सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, अपने क्लास 6 में ये चैप्टर सजेस्ट किया होगा 12 का। इफ़ यू नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ, तो आपने अगर नहीं ट्राई किया तब अभी ट्राई कर सकता। गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। तो आपको मतलब बुझो और पहले दोनों क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, एक सर्किट जोड़ते हैं जो क्लास 6 में दिए है। दे हैड लॉस्ट ऑफ फन ट्राइंग टू ईट आउट विथ देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी देखा। दे एंजॉय इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजिन फॉर देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन, जो उनके कजिन होते डिफरेंट टाउन, वो भी सबको डिसाइड किए, उनको सब लोगों ने बताया। सो पहली मेड ए नीट ड्रॉइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड। तो क्या किया उसने, दिखाया सबको, देखो ये कैसा ड्रॉइंग किया उसने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी है, उसमें सिंबल दिया इधर प्लस की निशानी, इधर माइनस की निशानी। दोस्तों प्लस को क्या हम कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो माइनस वाली निशानी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? तो हमको पहले एक बैटरी लेनी है, नॉर्मल दुकान में जाते जो हम रिमोट में लगाते हैं टीवी वाले में, ठीक है, उसमें और या वॉच में लगाते हैं, ठीक है? तो हम सिंपल एक बैटरी लेनी है सेल, उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है। देखो वायर लिया, फिर पिन लिया, उसके बाद एक बल्ब लिया है, फिर पिन लिया है, ठीक है? और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया है, दो किल लिया है। इस तरीके से सड़कें पेंट हो जाती है और लाइट जल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी और हैंड इज, उसके तरीके से बनाया है। तो कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंटली, कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अच्छी तरह से? इट मेड वो जो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट, एक ईजियर वे है जिससे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट, हम तो सिम्बल के द्वारा, सम कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बल्स। आपको पता है हम सिम्बल्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि उसे जल्दी से ड्रॉ हो जाए। इन टेबल 14.1, तो आपको एक टेबल दिख रहा है जैसे, तो ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट दिया हुआ है, सिम्बल है उसके, तो इलेक्ट्रिक सेल है, तो उसको सिम्बल हम ये रखेंगे, एक लाइन बड़ी है फिर एक छोटी, फिर उसके आजू बाजू ऐसा, जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल का सिम्बल हम इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा ये जो जल्दी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का हम सिंबल इस तरीके से ड्रॉ करना है। स्विच इन ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन का होता है हम इस तरीके से ड्रॉ करना है, और ऑफ पोजीशन होगा तो इस तरीके से। बैटरी को हम किस तरीके से करेंगे, ये बैटरी हमें, ठीक है? तो एक से, अगर एक सेल हो तो उसे हम सेल कहते हैं, पर दो सेल हो या तीन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी बन जाती है। तो इसे हम टू सेल्स हैं इसलिए बैटरी हो गई, तो उसका होगा माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, ठीक है? अब वायर है तो उसका सिंबल ओनली एक लाइन करना है, ठीक है? तो हम रीड करते हैं, अच्छी तरह समझ में आ गया ना आपको सारे सिंबल, तो हम पढ़ते हैं। इन टेबल 40.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन, तो आपने देख लिया, यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स। तो डिफरेंट सिंबल अलग अलग तरीके से होते हैं हर बुक्स में, पर हमको इसी बुक्स का सिंबल याद रखना है, ठीक है? हाउ एवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल साउंड हियर, लुक एट द सिंबल्स केयरफुली, हमने देख लिया है, इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन, डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हमने देखा कि जो प्लस के निशान से हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल होता है, देखा ना आपने? इन द सिम्बल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है लंबी लाइन जो थी उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी सी और थोड़ी सी मोटी सी लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है? फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल एज साउंड। तो हमने देखा जैसे द वायर यूज टू कनेक्ट द वायरियस कॉम्पोनेंट इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंट बाय लाइन्स। इन टेबल 40.1 अ बैटरी एंड इट्स सिम्बल आर ऑल्सो साउंड, डू यू नो वॉट अ बैटरी इज, लोकेट द सिम्बल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट वॉट अ बैटरी कुड बी फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल।
सो वी कनेक्टेड टू और मोर सेल्स टुगेदर एज साउंड इन फिगर 40.2। आपने देखा यहाँ पे ये एक से दो बैटरी, चार बैटरी, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया गया। नोटिस मेनी डिवाइस सच, सॉरी यहाँ पे नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। था आपको मैंने अभी बताया कि हमको कनेक्ट कैसे करना है, पहले प्लस, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से हमें वायर कनेक्ट करना है। और एक से ज़्यादा अगर डिवाइस कनेक्ट हो तो उसे हम बैटरी सेल कनेक्ट हो तो उसे हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, टीवी रिमोट, कंट्रोल्स यूज बैटरीज। तो मेन डिवाइस होते हैं जिसमें हम बैटरी का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, टॉर्च है, फिर टीवी रिमोट, कंट्रोल्स यूज बैटरी, ठीक है। हाउएवर इन सम ऑफ दिस डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अदर ऑफ साउंड इन फिगर 40.2। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। तो हम कहते हैं यहाँ पे 40.2 में यहाँ पे कैसे सेल ड्रॉइन किया है, साइड बाय साइड देखो, तो यहाँ पे दिखा है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, फिर उसके बाजू में लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऐसा दिया गया आपको। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट होते हैं। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस, देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपोनेंट। पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर, प्रिंट तो दिया गया है आपको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की निशानी। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज, यू मे मेक अ सेल होल्डर एज साउन इन फिगर 40.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, टू आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड, इट इज नेसेसरी। तो आप हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है होल्डर का, ठीक है, एक डिवाइस दिया गया उसके ऊपर से दो होल्डर है, ठीक है, सेल होल्डर है यहाँ पे, तो दो कनेक्ट कर दिया, दो दिखाया गया है। टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इज टू द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज साउन इन फिगर 40.5। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक होल्डर दिया है कि दिया ना मेटल का, तो आपको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इन फिगर 40.1 योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज, द सिंबल यूज फॉर, सॉरी यहाँ पर दिया है क्या बोलते हैं, देट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, तो आपको टाइटली बांध दिया है। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच देट द पॉजिटिव, तब इस तरीके से मार्केट में मिल जाता है अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया है पहली एंड बुझो वंडर वेदर द बैटरीज यूज इन ट्रैक्टर, ट्रक एंड इन इन्वर्टर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल, तो आपको पता है इसका जो पहले आश्चर्य हुआ कि बैटरी यूज कहाँ होता है, ट्रैक्टर में होता है, ट्रक में होता है और इन्वर्टर में होता है, वो भी सेल के बने होते हैं। देन वाई इज इट कॉल्ड अ बैटरी, तो बैटरी में कैसे, कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इज टू टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज साउंड इन फिगर 40.5। ये हमने देखा जैसे योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज, अब हमारी बैटरी रेडी होगी यूज करेंगे, द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी साउंड इन टेबल 40.1। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल साउंड इन 40.1। आज हम इतना ही रखते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको करा उसके क्वेश्चन आंसर आपको देख लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज के। आपको समझ में आया ना कि हमको जब इलेक्ट्रिक कुछ भी जोड़ना है, सर्किट बनाना हो, तो सबसे पहले एक सेल लेना है, फिर इसको सिंबल हमें दिखा रहता है, तो पहले हमारे पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से सर्किट जोड़ा जाता है। कभी भी साथ में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जोड़ते, और या फिर नेगेटिव नेगेटिव नहीं जोड़ते, हमें पहले पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम बाद में मिलेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।